हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज रामसोनी। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। इसका जो पिछला डिस्कशन है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, उसको आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हम देखें कि हिमालय के बारे में देखा जाए तो हिमालय का जो वेस्टर्न पार्ट है वो काफ़ी चौड़ा है, ईस्टर्न पार्ट की बात करें सकरा है। इसका जो रीजन बताया जाता है वो ये बताया जाता है, बेसिकली जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में मीट किए तो यहाँ पर बेसिकली वेस्टर्न पार्ट में कंप्रेसिव फोर्स थोड़ी कम था, ईस्टर्न पार्ट में कंप्रेसिव फोर्स थोड़ी ज़्यादा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग हिमालय की जो चौड़ाई है वो ईस्टर्न पार्ट में थोड़ी कम पाई जाती है और वेस्टर्न पार्ट में थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। वेल, इसके अलावा देखा जाए तो कुछ ये बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो उसको आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। हिमालय को बात करें तो हिमालय कई सारे पार्ट हैं, जैसे ग्रेटर हिमालय की बात करें जिसे हम हिमाद्री के नाम से पुकारते हैं, स्नोई हिमालय बोलते हैं जिसे, जो बर्फ से आच्छादित है। हिमालय के बहुत सारे पार्ट हैं जैसे हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है। हिमाचल की बात करें तो लेसर हिमालय को हिमाचल बोलते हैं और आउटर हिमालय को बोलते हैं शिवालिक। तो यू नो अबाउट दैट थिंग। वेल, यहाँ पे यदि एवरेज हाइट की बात करें तो हिमालय की हाइट तकरीबन 6000 मीटर के आसपास में एवरेज हाइट है। जितने भी हाईएस्ट पीक है वो हिमालय में ही स्थित हैं, ग्रेटर हिमालय में स्थित हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखें। वेल, यहाँ पे एक डिस्कशन में जब होता है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्नो लाइन के बारे में। स्नो लाइन की बात करें, स्नो लाइन की जो हाइट है देखा जाए तो यूजली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय है वहाँ पे हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब बर्फ़ का आच्छादन जो है थोड़ी ज़्यादा हाइट के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन ईस्टर्न पार्ट में जो बर्फ़ का आच्छादन है वो कम हाइट से स्टार्ट हो जाता है। इसके जो रीज़न बताए जाते हैं वो ये बताए जाते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है, वेस्टर्न पार्ट में ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग जो बर्फ़ का आच्छादन है थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। वेल, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यदि हम बात करें आपसे कि हमारी जो रेंजेस हैं कौन कौन सी हैं, तो ये रेंजेस का सीक्वेंस मैंने आपके लिए बनाया है, कल जाकर पढ़। तो कराकोरम रेंज है लद्दाख, यल से लद्दाख हो गया, जाकर से बना दिया जास्कर, और पढ़ पीर पंजाल एंड धौलाधर, ये नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस है। इसको आप थोड़ा सा आप याद रखें, ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं, बेसिकली कई बार ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कौन सी रेंज किसके बीच में है, तो ये सीक्वेंस आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। कल जाकर पढ़, ए से कराकोरम, यल से लद्दाख, जे से जास्कर, जाकर से जास्कर, पी से पी पंजाल, डी से धौलाधर। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा हम देखते हैं, लेट्स गेट द नेक्स्ट वन। इसके अलावा कुछ बहुत सारी और चीज़ें हैं इफ़ यू वांट टॉक अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे देखा जाए तो यूजुअली जो हम बात करते हैं उसमें जो हाइट की बात करें तो हाइट यूजुअली आपको मैंने बताया था, जैसे कि ग्रेटर हिमालय की सबसे ज़्यादा हाइट है, उसके बाद उसको हिमाद्री बोलते हैं। हिमाचल की बात करें थोड़ी हाइट थोड़ी कम है, थोड़ी मतलब ठीक ठाक कम है, और उसके बाद आता है हिमाचल, उसके बाद आता है शिवालिक। शिवालिक की हाइट एवरेज हाइट काफ़ी कम है। वेल, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो अक्सर डिस्कशन में आता है, वो है मेडोज। मेडोज बेसिकली घास के मैदान को बोलते हैं। वेल, तो यहाँ पे मेडोज को अलग अलग नाम से पकड़ते हैं, जैसे मर्ग है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है ना, ये कश्मीर में है, बगियाल ही बोलते हैं, पायर बोलते हैं उत्तराखंड में, तो घास के मैदानों को बगियाल या पायर बोलते हैं उत्तराखंड में, और मर्ग बोलते हैं कश्मीर में जिसके नाम है गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो इसको आप याद रखें। कुछ इस तरह से ये लुक दिखता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखें। वेल, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल में हिल स्टेशन है जो बहुत फेमस, जैसे शिमला है, मसूरी है, चकराता है। चकराता काफ़ी खूबसूरत है, कभी मौका मिले जरूर जाइए। नैनीताल है, रानीखेत है, ऑल इट, ये सारे हिमाचल में आते हैं। वेल, दार्जिलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमाचल इटसेल्फ। ऑल इट, वेल, इसके बाद आगे चले तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है, तो उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी चीज़ डिस्कस करना है, यदि हम बात करें पामीर नॉर्थ की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे रेंजेस निकलते हैं, जैसे कुल्लून है, कराकोरम है, कैलाश रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर है, ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय इसके नीचे आता है, शिवालिक इसके नीचे आता है। दिस हाउ यू कैन अरेंज दिस वन। वेल, तो इसकी बात करें, एक छोटी सी चीज़ ये है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो हिमालय हैं, जो रेंजेस हैं, जैसे कि डाफला है, मिरी है, आबोर है, तो पिछली बार मैंने आपको याद कराया था डामिया डाफला मिरी आबोर मिसमी, डामिया मिसमी, तो डाफला मिरी आबोर मिसमी। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे पटकाई बूम हिल्स को पता होना चाहिए आप लोगों को, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हल्का सा बेसिकली म्यांमार को भी टच करता है। इसको नागा मणिपुर मिजो हिल्स है, तो बहुत सिंपल है, तो स्टेट के नाम से है। यहाँ पे गारो खासी जयंती आपको पता है, लेकिन मिकिर और बैरल, मिकिर नॉर्थ में है, बैरल नीचे है, तो ये आप याद रखें, यमाई बैरल के नाम से हमने याद किया था, यमाई बैरल, तो दिस हाउ यू कैन रिमेंबर दिस वन। ओके, दाफला तो डामिया मिसमी पटकाई, डामिया मिसमी पटकाई, तो आप इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद मिकिर और बैरल, यमाई बैरल, तो इसको आप याद रखें। ये जो चार पांच रेंजेस हैं इनका नाम यदि आपको याद है तो कुल मिला के आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो डामिया मिसमी पटकाई बम,
वेल यहाँ पे देखा जाए तो यमाई बैरल, तो मिकिर और बैरल इनका नाम याद रखिए, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, यह हमने थोड़ी सी बना रखा है। इसमें देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इसके बारे में बात करेंगे वो ये है कि जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन दर्रों के बारे में थोड़ी पता होना चाहिए आप लोगों को। तो दर्रों के बारे में लुक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कराकोरम दर्रा है जो बेसिकली नॉर्थ में है। इसके बाद बहुत सारे दर्रे हैं जैसे बुरजल पास है, पीर पंजाल रेंज है, ये सारे जम्मू कश्मीर के रीजन में है। उसके बाद जोजिला भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद बनिहाल पास की बात करें तो यही बिल्कुल लगा हुआ है यहाँ से सिप के। यहाँ पे एक और दर्रा है बारालाचा, ये भी यहीं पे है। सिपकिला दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है बेसिकली, ये यहाँ सतलज नदी नदियाँ इंटर करती हैं। इसके बाद रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा से नदियाँ निकलती हैं जैसे ब्यास है ना, ब्यास है, और ब्यास के अलावा देखा जाए तो यहाँ से रावी भी निकलती है यहीं से। धर्मा दर्रा है यहाँ पे, इसके थोड़ी आगे नीति दर्रा है, नीति दर्रा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लुक एट हियर, ये नीति दर्रा है जो कि उत्तराखंड में है। ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनका नाम याद रखेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे सिक्किम में सबसे टॉप पे नाकुला दर्रा है, और यहाँ पर इसके नीचे पड़ेगा नाथुला दर्रा। नाथुला वो दर्रा है जहाँ से बेसिकली हम बेसिकली कैलाश पर्वत जाते हैं सिक्किम के थ्रू। इसके नीचे पड़ेगा जलेपला, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा बोमडिला। ठीक है थाल घाट और भोर घाट है। थाल घाट देखा है तो मुंबई के आसपास दोनों ही है, थाल घाट और भोर घाट, नीचे जाइए पाल घाट और सेनकोटा है। वेल थोड़ी सी हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जोजिला दर्रा की बात करें तो बेसिकली जास्कर रेंज में लोकेटेड है जोजिला दर्रा। पहली बात तो ये है, ये जो दर्रा है जोजिला दर्रा ये जास्कर रेंज में स्थित है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, कि ये जो दर्रा है बेसिकली ये श्रीनगर से लेह कनेक्ट करता है। कौन सा? जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा की बात करें तो श्रीनगर से लेह कनेक्ट करता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखें, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा यहाँ पे एक दर्रा आपको बनिहाल दर्रा दिख रहा होगा, ये बनिहाल दर्रा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा नीचे। तो बनिहाल दर्रा पहली बार जम्मू कश्मीर में है, और देखा जाए तो ये श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करता है। ठीक है ये श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करता है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें। वेल यहाँ पे सिपकिला दर्रा तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और देखा जाए तो शिमला से तिब्बत जाने का जो रास्ता है, शिमला यहाँ पे जो शिमला है, शिमला से तिब्बत जाने का जो रास्ता है वो यहीं से है, और सतलज नदी यहीं से एंटर करती है, तो ये भी आप याद रखें। वेल इसके बगल में सिपकिला के बगल में आपको हल्का सा ये दिख रहा होगा, हल्का सा ऊपर साइड देखा जाए तो यहाँ पे आपको बारालाचा दिख रहा होगा। लुक एट हियर, यहाँ पे ऊपर साइड हल्का सा बारालाचा दर्रा होगा दिख रहा होगा। तो बारालाचा देखा जाए तो ये भी हिमाचल में है, इसको आप याद रखें, दिस ऑल्सो लोकेटेड हिमाचल प्रदेश इटसेल्फ। और देखा जाए तो मंडी को लेह से कनेक्ट करता है, तो ये भी बारालाचा जो है कहाँ पे है, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड हिमाचल इटसेल्फ। तो बारालाचा जो है हिमाचल में है, इसको आप याद रखें, इट्स लोकेटेड हिमाचल इटसेल्फ। ऑलराइट, और बाकी सिपकिला तो हिमाचल में है ही है, यू नो अबाउट दैट। तो बारालाचा भी हिमाचल में है। इसके अलावा थोड़ी और यहाँ पे देखा जाए तो एक दर्रा बहुत ही फेमस है जैसे रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में तो है ही है, ये कट करता है पीर पंजाल रेंज को, और ये लिंक करता है मनाली को लेह से। तो जो मनाली है नीचे हिमाचल प्रदेश में उसको लेह से कनेक्ट करता है, तो ये भी आप याद रखें, दैट इज कॉल्ड रोहतांग पास। वेल इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पास जैसे नीति पास की बात करें, नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है, ये नीति पास की बात करें तो कैलाश और मानसरोवर जाने का रास्ता यही है, बिल्कुल नीति दर्रे के थ्रू जाते हैं। तो नीति दर्रे के थ्रू भी जाते हैं कैलाश, और नाथुला दर्रे के थ्रू जाते हैं, दोनों ही दर्रों का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं वहां जाने के लिए। वेल नाथुला की बात कर ली तो नाथुला जो है यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाला नाकुला है जहाँ पे इंडिया और चाइना का भी बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था। नाथुला की बात करें तो नाथुला जो है बेसिकली यहाँ से आप मानसरोवर जाने का रास्ता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये बेसिकली चुंबी वैली जो है कह सकते हैं दार्जिलिंग, चुंबी वैली को दार्जिलिंग से चुंबी वैली को कनेक्ट करती है, दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें। ठीक है नाउ चुंबी रिवर जो है इसी पास के थ्रू पास होती है, तो ये भी आप याद रखें, दैट्स नाथुला। ठीक है इसके अलावा यहाँ पे इसी के नीचे जलेपला है, तो ये डिस्कस कर लिया आपने, सिक्किम में ही है। और यहाँ से जलेपला जो है यहाँ से आप भूटान जाते हो, तो सिक्किम से भूटान की तरफ जो जाते हैं वो यहीं जाते हैं। ठीक है और तीसरा जो नदी है वो यहाँ उसने यहाँ पे बेसिकली पास क्रिएट करा है, तो ये भी आप याद रखें, ये आपका जलेपला। ऑलराइट तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनके बारे में आपको हल्के से आइडिया मिल गई होगी, तो ये रहे हमारे नॉर्थ इंडिया के दर्रे। ठीक है वेल उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको साउथ इंडिया में कह सकते हैं कि थाल घाट दिख रहा होगा आपको, लुक एट दिस थाल घाट। थाल घाट की बात करें तो नासिक से मुंबई कनेक्ट करता है, थाल घाट का थोड़ा सा आप याद रखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समवेयर, लेट मी राइट डाउन हियर। थाल घाट जो है नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है, याद रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थाल घाट जो है
नासिक टू मुंबई, नासिक टू मुंबई कनेक्ट करता है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये नासिक से मुंबई कनेक्ट करता है थालघाट। इसके अलावा देखा जाए तो ये प्रकार से कह सकते हैं कि ये कोलकाता से मुंबई कनेक्ट करता है, बिकॉज ये रास्ता जो है कोलकाता टू मुंबई पास जो है वो यहीं से गुजरता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। इसके बाद थालघाट के बाद यहाँ भोरघाट है, ये भोरघाट बड़ा फेमस है, भोरघाट, तो भोरघाट जो है मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, तो ये भी आप याद रखिए, मुंबई कनेक्ट करता है पुणे, तो कह सकते हैं पुणे टू मुंबई है ना, पुणे टू मुंबई है, पुणे टू मुंबई है, इसको भी आप याद रखें, भोरघाट जो है पुणे को मुंबई से कनेक्ट करता है, तो नासिक से मुंबई कनेक्ट करता है कौन, थालघाट, और पुणे से मुंबई कनेक्ट करता है भोरघाट, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। वेल और नीचे जाइए, पालघाट की बात करें तो पालघाट काफी नीचे हो गया, तो ये बेसिकली नीलगिरी में स्थित है, ठीक है, और नीलगिरी अनामलाई माउंटेन है ना, ये कहाँ पे है, केला में है, ये आप याद रखें, पालघाट कहाँ पे इज लोकेटेड, केला, बेसिकली ये केला में ही है। और देखा जाए तो ये कोची को चेन्नई से कनेक्ट करता है, तो पालघाट की बात करें तो ये कोची को चेन्नई से कनेक्ट करता है, तो ये आप याद रखेंगे, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कोची टू चेन्नई, ये कोची को चेन्नई से कनेक्ट करता है, तो ये आप थोड़ा सा आप याद रखें, कोची को चेन्नई से कनेक्ट करता है, ये है पालघाट। इसके बाद देखा जाए तो ये बेसिकली सेन कोटा पड़ता है हमारा, सेन कोटा की बात करें तो सेन कोटा जो है ये देखा जाए तो हमारा बिल्कुल साउथ में है, और नागर कोयल और कार्डमम हिल्स यहाँ पे हैं। वेल देखा जाए तो ये लिंक करता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, तो वेल सेन कोटा की बात करें तो ये कनेक्ट करता है किसको, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी राइट डाउन समहेयर, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम मतलब मैं बात कर रहा हूँ केरला की, तिरुवनंतपुरम मतलब केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, तिरुवनंतपुरम मदुरई, तो इसको आप याद रखें, मदुरई बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, तो ये आप याद है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है, ये आपका सेनकोटा दर्रा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनके बारे में आप थोड़ा याद रखें, थालघाट और भोरघाट के बारे में काफी कुछ पता आता है, तो थालघाट नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है, यानी थालघाट मीन्स नासिक, तो कैसे करके याद कर सकते हैं, थाना, तो थाना करके याद कर सकते हैं, थाना थाना थाना, तो थाना करके आप याद रखोगे थालघाट हो गया नासिक, ठीक है। और उसके बाद भोरघाट की बात करें तो ये पुणे टू मुंबई है, तो आप याद रखेंगे भोपू, तो भोपू कर देते हैं यहाँ पे अपन, तो भोपू याद रहेगा आपको, भोपू, तो भोरघाट हो गया पुणे, ठीक है। एनी हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ये कई बार चीजें भूल जाती हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पुशिंग योर लिमिट्स। पालघाट की बात करें तो कोची और चेन्नई कनेक्ट करता है, सेनकोटा की बात करें तिरुवनंतपुरम और मदुरई कनेक्ट करता है, सेनकोटा सबसे लास्ट में है, इसको थोड़ा सा आप याद रखें। तो ये रहे महत्वपूर्ण दर्रे जो हैं जो हमारे इंडिया में हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी और बहुत कुछ बात करना है, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दक्कन प्लेटू। तो फिलहाल दैट्स ऑल फॉर नाउ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके देन, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।